कोयलांचल में जहां एक तरफ अवैध कोयला एवं बालू का कारोबार फल फूल रहा है, वहीं अब अवैध नकली शराब का धंधा भी जोर पकड़ने लगा है। आपको बता दें, अवैध शराब का कारोबार चोरी छिपे चलाया जा रहा है, जो धनबाद जिले से अवैध शराब बिहार तस्करी किया जा रहा है। वहीं शनिवार देर रात कतास पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध नकली शराब का एक बड़ा खेप जो सब्जी ढोने वाले पिकअप वैन में छुपाकर बिहार ले जाया जा रहा था, जिसे पुलिस पकड़ने में सफलता पाई है। मामले को लेकर कतरास थाना में थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राज बिहारी लाल ने प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में थाना प्रभारी ने कहा कि रात्रि में 22/5/2021 को रात्रि करीब 10 बजे सूचना मिलेगी, धनबाद की तरफ से बोलेरो पिकअप गाड़ी में नकली अवैध विदेशी शराब तस्करी के लिए बिहार ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर हम अपने पुलिस पदाधिकारी जितेंद्र कुमार और फुआनी चंदन भैया और फुआनी मुकेश कुमार एवं बल के साथ हम लोग वहाँ पर राजहंस फैक्ट्री के पास में लगाए थे चेकिंग के लिए। तो इसी समय अचानक जो है एक गाड़ी धनबाद की तरफ से कतरास की तरफ से आ रही थी, तो गाड़ी रोक कर अचानक गाड़ी रोक दिया। शक होने पर हमारे पुलिस पदाधिकारी नज़दीक में गए तो एक आदमी जो है दौड़कर भागने लगा और एक आदमी पकड़ा गया, चालक जिसका नाम किशुन महतो है, और एक भागने में सफल रहा जो एक आदमी इसमें सवार था मुकेश महतो। और जब उसको रोका गया तो उसमें भिंडी लोड था और गाड़ी को स्टार्ट कराकर चेक करने पर उसमें काफ़ी मात्रा में विदेशी नकली शराब करीब 52 कार्टून बरामद किया गया और जब्ती सूची बनाकर साथ में पकड़े गए किशुन महतो को गिरफ्तार करते हुए हम लोग थाना लाए और जो आगे कार्रवाई की जा रही है। हाँ, आगे भी अभियान हम लोग जारी रखेंगे। अवैध शराब अवैध कोयला जो भी बना अवैध तरह का काम जो है हम लोग उस पर लगेंगे।